फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अखिलेश और योगी, योगी रीजन योगी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के रोजगार लगभग 10 से 15 हज़ार यहाँ रोजगार हो जाएगा, जो बम्बई दिल्ली सब लोग जाते थे यही काम हम करेंगे अपना। उत्तर प्रदेश में सियासी रंग चढ़ने लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशी में, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरे साथ यहाँ पर कई काशीवासी मौजूद हैं जो अलग अलग गाँव से आए हैं, कुछ जौनपुर से आए हैं नज़दीकी जिले से, ये आप देख सकते हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री की रैली में आज इनका क्या मूड है, काशी से ये क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री से ये क्या चाहते हैं और इस उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या होने वाला है। शुरुआत मुझे लगता है बुजुर्गों से करनी चाहिए, तो मैं इनसे करूंगा। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश सिंह। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ बदलाव होगा या सरकार रिपीट कर रही है? नहीं, सरकार यही रहेगी, योगी सरकार ही रहेगी। आप बुजुर्ग हैं, आपने काफी सरकारों को आते और जाते देखा होगा, पहले से और अब में क्या अंतर? पहले अब में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो गया है इस सरकार में जो है। आज प्रधानमंत्री का संबोधन है वाराणसी में, कई सौगातें, अमूल मिल्क प्लांट, क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, और यहाँ सब भाजपा है। क्या नाम है? अमरनाथ सिंह। और भी लोग हैं मौजूद, क्या नाम है आपका? राजनाथ यादव। यादव जी, क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, हाँ सरकार आप जैसे पहले थी वैसे अब भी प्रचार उनका जारी है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यादव हमारे पास नहीं, सब यादव नहीं है, सब नर हो नहीं एक समाना, सब नर एक समान नहीं होते है कि नहीं, मतलब एम वाई फैक्टर नहीं चलेगा? नहीं 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 चलेगा। यादव कहाँ जा रहे हैं? यादव कुछ जा रहे हैं, सपा के संगे ज्यादा हैं, चौथैया करीब है इधर, चौथाई है। प्रधानमंत्री आज कई सौगातें देने वाले हैं, स्वामित्व योजना के तहत घरौली की जो बात है वो मेरे ख्याल से गांव वालों के लिए बड़ी चीज़ है, क्या पहले कभी सोचा था? अच्छा लग रहा है भाई, हाँ, कि दूध का खुला है। क्या नाम है आपका? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह नाम है आपका, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं? हम बंगाल में थे, वहाँ से रिटायर हुए हैं। इंडियन आर्मी? हाँ हाँ, इंडियन आर्मी। क्या आर्मी? ना ना, आर्मी नहीं, फिर कोल फील्ड में था। अच्छा, क्या लग रहा सियासी माहौल यूपी का? बहुत सुंदर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था जैसा कि आज यहाँ हम देख रहे हैं। बहुत यहाँ आदमी को रोजगार भी बहुत काफ़ी होगा और किसान लोग को स्वामित्व योजना के तहत घरौली मिलने वाली है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे जो है कि बहुत आदमी को फायदा होगा, उससे मिलेगा धरोहर। हाँ, युवाओं से भी बात करना जरूरी है क्योंकि चुनाव में युवा एक अहम फैक्टर है। क्या नाम है आपका? किशन सिंह। कौन से कॉलेज में? BA फर्स्ट ईयर। क्या लग रहा है अखिलेश और योगी? योगी रीजन योगी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के रोजगार लगभग 10 से 15 हज़ार यहाँ रोजगार हो जाएगा, जो बम्बई दिल्ली सब लोग जाते थे यही काम हम करेंगे अपना। और भी देखिए कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं बातचीत करूंगा, रूबरू होऊंगा, जानूंगा। स्वामित्व योजना और मिल्क प्लांट, अमूल मिल्क प्लांट, बड़ी सौगातें काशी को मिलने वाली हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए, रोजगार की व्यवस्था हो गई सब कुछ, अब कहीं बाहर नहीं जाना होगा अरुणाचल लोगों को। पहले की और अब की काशी में क्या अंतर? बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। जहाँ पहले सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया, बिजली 24 घंटे बनारस में मिल रही है सब। और भी देखिए कुछ लोग हैं, मैं इधर की तरफ भी आकर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र उपाध्याय। सुभाष जी, आप बुजुर्ग हैं, आपने कई सरकारों को देखा है, काशी में क्या बदलाव देखे? काशी में बहुत बदलाव हुआ, मोदी जी आए तब से तो बहुत बदलाव हुआ है, अच्छा है एकदम, मोदी जी ही रहे तो अच्छा है। और आज जो सौगातें काशी को मिलने वाली हैं उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं और सबका विकास होगा, इसके लिए मोदी जी ही सबसे अच्छे हैं। अमूल के प्लांट से क्या क्या बदलाव आएगा, कितनी मदद होने वाली काशी? पूरे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे पूरे पूर्वांचल का विकास होगा, यहाँ रोजी रोजगार सबको मिलेगी, कोई नागरिक अपने क्षेत्र का बेरोजगार नहीं रहेगा हमारे यहाँ।
और भी लोग हैं, मैं इस तरफ आकर और भी लोगों से बातचीत करूंगा, जानूंगा मूड। क्या करते हो, क्या नाम है आप? आयुष दुबे। पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। यहाँ पे? यहाँ भागीरथी महाराज इंटर कॉलेज। आप में पता है क्या हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है माहौल। कौन किस पर हावी? बीजेपी है और इस बार हाँ अखिलेश तो कह रहे हैं कि विजय रथ निकाल के सब। अखिलेश नहीं आएंगे, कभी भी आएंगे ही नहीं। कभी भी नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। केवल भाजपा, जय भाजपा सदैव, केवल जय भाजपा सदैव भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं भाजपा से। अपने लोग हैं, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज का प्रोग्राम। हम लोग स्थानीय है, यहाँ के शिलान्यास होने से बहुत ही हम लोगों को रोजगार, पूर्वांचल का विकास होगा। गांव में क्या माहौल है? गांव में बहुत अच्छा माहौल है। राशन मिल रहा है आपको? क्या नाम है आपका भैया? सबको। इंद्रेश कुमार सिंह। राशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अकाउंट में पैसा आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ रहा है। तो मतलब किसान वगैरह सब खुश है? सब खुश है। देखिए ये काशी की हवा है। काशी तो खैर प्रधानमंत्री के लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री काशी के लिए है, और यही आवाज़ काशी से निकलती हुई प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले, योजनाओं से पहले, काशी खुश है और मुस्कुरा रही है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव।